हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, डायरी के पन्ने से बीजेपी के नेताओं पर 1810 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कारवा की रिपोर्ट के बारे में। कारवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक डायरी के कुछ पन्ने हैं। आरोप है कि ये डायरी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की है। आरोप है कि इनमें येदियुरप्पा ने अपने हाथ से कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को कितना कितना पैसा दिया। कौन से नेता? अरुण जेटली, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी की सेंट्रल कमेटी। दि कारवा मैगजीन के मुताबिक आयकर विभाग के पास 2017 से ही है ये डायरी। इसके मुताबिक कथित तौर पर येदियुरप्पा ने कर्नाटक के एक विधायक की 2009 की डायरी में इन पेमेंट्स का हिसाब किताब लिखा हुआ था अपनी हैंड राइटिंग में। इन सारे भुगतानों के अलावा कुछ जजों और वकीलों को भी पैसा देने की बात लिखी हुई है। वैसे जैन हवाला कांड का हवाला देते हुए कई लोगों ने बताया है कि इस तरह की हाथ से लिखी एंट्रीज की कोई कानूनी कीमत नहीं होती है। कारवा ने येदियुरप्पा की लिखी इस डायरी एंट्रीज की कथित तस्वीरें भी छापी है। डायरी में लिखा है, मुझे मुख्यमंत्री बनाने वालों में बड़ा योगदान जनार्दन रेड्डी का है। आगे लिखा है, उन लोगों का बौरा जिनके लिए जनार्दन रेड्डी ने पैसा दिया है। आगे कुछ नेताओं के नाम है, नाम के आगे उन्हें दिए गए पैसे दर्ज है। ये नाम है, लाल कृष्ण अडवाणी 50 करोड़, राजनाथ सिंह 100 करोड़, नितिन गडकरी 150 करोड़, मुरली मनोहर जोशी 50 करोड़, अरुण जेटली 150 करोड़, जजों को 250 करोड़, वकीलों को 50 करोड़, नितिन गडकरी के बेटे की शादी में 10 करोड़, बीजेपी सेंट्रल कमेटी को 1000 करोड़। कारवा के मुताबिक केंद्र सरकार और आयकर विभाग दोनों ने अगस्त 2017 से इस डायरी एंट्रीज को दबाया हुआ है। मैगजीन का कहना है कि इनकम टैक्स के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में अरुण जेटली से पूछा था कि क्या इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच करवाई जानी चाहिए। ईडी वित्तीय और आर्थिक अपराधों की जाँच करती है। जेटली से इन जाँच के बारे में पूछा गया, जबकि खुद उनका नाम इन एंट्रीज में था। जेटली ने इस पर कुछ नहीं किया। जिस समय का ये नोट बताया जा रहा है, उस वक्त जेटली कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी थे। 2004 से 2013 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। कारवा का कहना है कि उसने इस मामले में इन नेताओं का पक्ष जानने की कोशिश की थी। येदियुरप्पा, जेटली, गडकरी, राजनाथ, अडवाणी और जोशी सबको सवाल भेजे थे, मगर रिपोर्ट छापे जाने तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। 2008 में कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी को 110 सीटें मिली, मगर सरकार बनाने के लिए 3 और विधायक चाहिए थे। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे बीजेपी के। राज्य में खूब खरीद फरोख्त हुई। ये पूरा अध्याय ऑपरेशन लोटस के नाम से कुख्यात हुआ। कांग्रेस और जनता दल से कूलर के 20 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से मेजोरिटी वाला आंकड़ा घट गया। येदियुरप्पा ने सरकार बना ली। बाद में इस्तीफा देने वालों ने उपचुनाव लड़ा। जिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने येदियुरप्पा को समर्थन दिया, वो बाद में कैबिनेट का हिस्सा बनाए गए। इनमें से भी कई नेताओं का नाम डायरी में दर्ज भुगतान पाने वालों की लिस्ट में शामिल है। अब हम जानेंगे जनार्दन रेड्डी कौन है। जिन जनार्दन रेड्डी की तरफ से बीजेपी नेताओं को पैसा देने की बात कही गई है, वो काफ़ी विवादित नाम है। रेड्डी की गिनती सबसे अमीर नेताओं में होती है। 2008 में येदियुरप्पा ने अपनी सरकार में उन्हें टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मंत्री भी बनाया था। सितंबर 2011 में सीबीआई ने अवैध खनन मामले में अरेस्ट किया। करीब 3 साल जेल में बंद रहने के बाद 2015 में जनार्दन रेड्डी को जमानत मिली। फिर नवंबर 2018 में फिर से वो अरेस्ट हो गए, फिर जमानत मिल गई। कर्नाटक के लोकायुक्त ने 35,000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में जनार्दन रेड्डी को मुख्य आरोपी बताया था।
येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उनके ऊपर एक खनन घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। तब येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। 2014 के चुनाव से पहले उन्हें फिर से बीजेपी में ले आया गया। फिर उन्हें करप्शन केस में भी क्लीन चिट मिल गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे। फिलहाल विपक्ष के नेता है राज्य में। कारवा की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं को पैसे दिए। सुरजेवाला ने बीजेपी से पूछा कि वो बताए कि ये आरोप सही है या नहीं। उन्होंने कहा, डायरी में राजनाथ सिंह से लेकर जेटली तक के नामों का जिक्र है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप को 1,800 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने का आरोप है। ये इल्ज़ाम सही है या गलत? येदियुरप्पा के हस्ताक्षर वाली डायरी 2017 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी। अगर ऐसा है तो मोदी जी और बीजेपी ने इसकी जाँच क्यों नहीं करवाई? इस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया? कांग्रेस के लगाए आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस के इल्जाम झूठे हैं। बीजेपी के मुताबिक 2017 में इनकम टैक्स ने कांग्रेस के एक विधान परिषद सदस्य पर छापा मारा था। इसमें एक डायरी मिली थी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पैसे दिए जाने की एंट्रीज थी। इसके बाद कांग्रेस के डीके शिवकुमार ने एक डायरी के कुछ पन्नों की लूज कॉपी दी आयकर विभाग के अधिकारियों को। इसमें कुछ नेताओं के नाम थे और पैसे का जिक्र था। अफसरों ने पूछा कि क्या वो उन कागजों को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इस पर शिवकुमार ने ना कहा। बीजेपी का कहना है कि ये जो कथित एंट्रीज अभी आई है वो वही है, येदियुरप्पा की लिखावट ही नहीं है वो। येदियुरप्पा ने कहा है कि वो कभी डायरी लिखते ही नहीं। येदियुरप्पा ने भी इस न्यूज़ रिपोर्ट पर रिएक्ट किया है। उनका कहना है कि चुनाव में फ़ायदा पाने के लिए जानबूझकर ये झूठी खबर प्लांट की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करने के बारे में अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। येदियुरप्पा का कहना है कि आयकर विभाग के अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि ये कागजात नकली और फर्जी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माइंड दी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर कोई सनसनीखेज खुलासा लेकर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।